दुनिया की कुल आबादी में हर छठा व्यक्ति भारतीय है। हमारे यहाँ हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं और हालत यही रही तो 2028 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के एक हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया है और इसके मुताबिक वर्ष 2028 तक इन दोनों देशों की अपनी अपनी आबादी 1 अरब 45 करोड़ के पार हो जाएगी। दरअसल वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ हो गई है, जबकि वर्ष 2001 में हमारी आबादी 1 अरब 2 करोड़ थी। आंकड़ों के लिहाज से साल 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% रही, जबकि उससे पहले के दशक 1991-2001 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 21.15% थी। यानी देश के जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन ये उतनी भी कम नहीं हुई है कि हम इस मसले पर चैन की नींद लें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आबादी की वृद्धि दर अब भी चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी का सीधा असर देश के विकास की रफ्तार पर पड़ रहा है। जहां एक ओर इस कारण सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर खेती के लिए जमीन भी कम हो रही है। इसका असर खाद्यान्नों और पीने के पानी की उपलब्धता पर तो पड़ेगा ही, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रहन सहन का स्तर भी इससे प्रभावित होगा। इस बार संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस पर किशोरावस्था में गर्भधारण का थीम रखा गया है। किशोर गर्भावस्था की अपनी चुनौतियां हैं और भारत के लिहाज से भी ये थीम काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल जनसंख्या वृद्धि की सबसे प्रमुख वजह है लड़कियों की कम उम्र में शादी। देश में 40% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 वर्ष से भी कम उम्र में हो जाती है और करीब 25% लड़कियां 19 वर्ष से भी कम उम्र में माँ बन जाती हैं। देश की करीब आधी किशोर लड़कियों में खून की कमी है, यानी वो एनीमिक हैं। भारत ने अपने लिए 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन परिवार नियोजन के उपायों के इस्तेमाल में कमी, इसके लिए आवश्यक सामाजिक जागरूकता का अभाव और 2 से अधिक बच्चे पैदा करना भी जनसंख्या वृद्धि के कारणों में शामिल हैं। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, लेकिन मध्य और पूर्वी भारत के कुछ बड़े राज्यों में जनसंख्या अभी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि अगले 16 वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि में 50% से भी अधिक योगदान मध्य और पूर्वी भारत के इन राज्यों का होगा और दक्षिण राज्यों का योगदान महज 13% होगा। जाहिर तौर पर ये आंकड़े चिंताजनक है। देश को अगर विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाना बेहद जरूरी होगा। कैमरामैन अनिल के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।